रेणुका सुगर, रेणुका सुगर का क्या है, रेणुका सुगर का बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट 41.65 है, ये 41.65 इसका मेजर सपोर्ट है, रेणुका सुगर का मेजर सपोर्ट है 41.65। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका क्या टारगेट प्राइस क्या निकल के आ रहा है, टारगेट प्राइस यहाँ तक का आ रहा है, मतलब 48.20 इनिशियल टारगेट है, ये एक्चुअली टारगेट नंबर वन है, टारगेट नंबर वन है 48.20। और बहुत शार्प रिकवरी होगा क्योंकि आपका डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा, शुगर प्रोडक्शन कम हुआ है ना, तो शुगर प्रोडक्शन कम हुआ तो इसी वजह से आपको ये शार्प यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, ये जो जोन है, और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से फिर नीचे भी आ सकता है, तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा तो वो टारगेट आपका है 50.70, इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा टारगेट टू 50.70। तो ये टारगेट टू का है, अगर इसको भी बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट करके जाता है तो आपको 55.25 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है इस टारगेट के जोन, जो 55 का भी टारगेट आपको देखने को, टारगेट नंबर थ्री है ये ऊपर के लेवल में, ये सब पॉसिबल है जितना जल्दी फास्ट जो रेजिस्टेंस है 47 का रेजिस्टेंस जितना जल्दी क्रॉस करेगा उतना जल्दी आपको 48 का लेवल देखने को मिलेगा, और 48 को अगर हाई वॉल्यूम में ब्रेक करता है तब जाके आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, 50 का लेवल देखने को मिलेगा। तो 50 का टारगेट लेके आप चल सकते हो, जुलाई लास्ट तक आपको 50 का टारगेट देखने को मिल सकता है जुलाई लास्ट तक। और जितना जल्दी 47 का ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस, 47 का जितना जल्दी ब्रेकआउट देगा उतना जल्दी आपको टारगेट 50 आते हुए दिखेगा। और सपोर्ट प्राइस बता ही दिया हूँ, मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जोन है 41.60, इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये पूरा एनालिसिस है श्री रेणुका शुगर का लेकर, और चार्ट वाइज मेरे ख्याल से 50 का टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। आप अगर देखोगे तो बहुत दिन का ट्रेडिंग सेशन के बाद आपका टोटल देखा जाए तो मार्च से लेके जून तक आपका ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो पाया था, अब जाके ब्रेकआउट हुआ है, तो एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा और 50 का इनिशियल टारगेट देखने को मिल सकता है।